बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखिएगा बच्चा, क्या होता है जब कभी पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म करना चाहते हैं तो फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस का बंद होना, कोई भी पार्टनर पार्टनर नहीं रहेगा, पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हम तो सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटेंसी में बिजनेस खत्म होने का मतलब क्या है? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को हमें क्लोज करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे मेन बुक जो होती है वो होती है बैलेंस शीट। मेन इन द सेंस, जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पे एंड अप्रोप्रिएशन और अल्टीमेट पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप देखोगे ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट पे एंड अप्रोप्रिएशन में जाता है, और पेनल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ता है और पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में शो होती है। तो अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो सारा का सारा बैलेंस शीट में आता है। तो बेटा, हम हमारी बैलेंस शीट को अगर खत्म कर दें तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो अकाउंटिंग जब हम डिसोल्यूशन की करेंगे तो हमें बैलेंस शीट को खत्म करना ही सीखना है, मतलब बेसिक तो वही है। और आज मैं वही पूरा डिस्कशन डिस्कशन कर लूंगा। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे पहले, देन इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली कैसे किसी बैलेंस शीट को खत्म किया जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, मेरे पास अगर बोर्ड छोटा पड़ेगा तो आपको 2 दिन बाद एसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, और मान के चलिएगा अगर बेसिक्स अगर आपने सीख लिए ना इस चैप्टर के, पूरा चैप्टर आज के दिन में फिनिश हो जाएगा। मतलब बेसिक्स वही है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे वो भी करेंगे। अच्छा, कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, कंफर्म क्वेश्चन। इंडिविजुअल इस चैप्टर का क्वेश्चन 6 मार्क्स का बैठेगा, फिक्स है, हर बार बैठता है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। एडमिशन और रिटायरमेंट में से चॉइस आ सकती है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा, बट डिसोल्यूशन का चैप्टर का इस चैप्टर का क्वेश्चन स्पेसिफिकली आता है। तो आपको डिसोल्यूशन का मतलब समझ आ गया? डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म डिसकंटिन्यू होना, फर्म का वाउंड अप होना, सारे पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप है उसका खत्म हो जाना। अब फर्म को अकाउंटिंग करनी है कि कैसे हम हमारे बिजनेस को बंद करेंगे। तो बेटा, फर्म की बैलेंस शीट को हमें खत्म करना है। बैलेंस शीट में 2 चीजें होती है, एक असेट और दूसरी लाइबिलिटी। बेटा, असेट्स को बेच दो, बिजनेस की जितनी भी असेट्स हैं उन सबको बेच दिया जाएगा और जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको पे कर दिया जाएगा। फिर जो पैसा बचेगा उसे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे एज अ प्रॉफिट। आई बात समझ में? इसकी भी एक सिक्वेंस होता है कि किस तरीके से जो पैसा आएगा असेट का वो बांटा जाएगा। ये हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में अगर मैं बता दूं आपको, तो बेटा जो भी असेट बेचने से पैसा आएगा, सबसे पहले उस पैसे को यूज में लिया जाएगा थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए। थर्ड पार्टी मतलब क्या? थर्ड पार्टी मतलब जो भी आउटसाइडर्स हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बैंक का लोन है, किसी और प्रकार से किसी पर्सन से आपने लोन ले रखा है, उन सारी लाइबिलिटीज को, बिल्स पेबल की लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इन सबको पे किया जाएगा सबसे पहले। इसके बाद अगर पैसा बचेगा तो पार्टनर्स का लोन चुकाया जाएगा, पार्टनर्स का लोन सेकेंड प्रायोरिटी, और इसके बाद पैसा बचेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल वापस की जाएगी। तो इस सीक्वेंस में आपको जो असेट्स बेच करके पैसा आएगा, इस सीक्वेंस में आपको पे करना है। ठीक है, ये सीक्वेंस भी मैं आपको लिखवाऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, और इस चैप्टर में क्योंकि असेट बेची जाती है, तो बेटा असेट बेचते टाइम, असेट को बेच करके जो पैसा वसूल किया जाता है ना, वसूल, उसको हम बोलते हैं, उसका एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन मतलब वसूली खाता, वसूली बोलते हैं उसको, वसूल, जिसमें पैसा आपने असेट बेच करके वसूल किया है और लाइबिलिटीज को पे किया, सिर्फ थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी। ठीक है, वो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो हम इसमें 4 तरीके के अकाउंट सीखेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे। कौन कौन से अकाउंट हमें यहाँ सुनने को मिलेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनती, बैलेंस शीट को ही खत्म किया जाता है ये 4 अकाउंट्स में। ठीक है, अच्छा, दूसरी बड़ी बात बेटा, रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस है। आज तक आपने रिवैल्यूएशन नाम सुना था, जिसमें हम असेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करते थे। कब कब? जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे थे, जब पार्टनर्स में नया पार्टनर एडमिट हो रहा था या कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जा रहा था, तब तक हम कर रहे थे रिवैल्यूएशन। असेट और लाइबिलिटी को मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिवैल्यू करके उसका जो प्रॉफिट या लॉस आता था ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज रिवैल्यू और रियलाइजेशन थोड़े से वर्ड सिमिलर टाइप के हैं,
तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम असेट्स को बेचेंगे और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिसोल्यूशन चैप्टर थोड़ी सी थ्योरी के साथ, और इसी के साथ हम आज इसके बेसिक्स जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा बच्चा, सबसे पहले मीनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं कि मीनिंग क्या है डिसोल्यूशन का। आप मेरे साथ साथ देखते जाएंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इट मींस, या मैं डायरेक्टली लिखता हूं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मींस बिजनेस ऑफ द फॉर्म, बिजनेस ऑफ द फॉर्म इज डिसकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड, ठीक है। डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या है, बिजनेस आपका क्लोज हो गया है, या आप ये कह दीजिए वाउंड अप हो गया है। वाउंड अप वर्ड यूज किया जाता है जब बिजनेस बंद होता है ना, उसके लिए हम वाउंड अप वर्ड यूज करते हैं। एंड रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स एंड्स, मतलब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन भी खत्म हो गया है, ठीक है। सर आगे लिखूंगा मैं यहां पे, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑल असेट्स आर सोल्ड एंड ऑल लाइबिलिटीज आर पेड, ठीक है। डिसोल्यूशन के केस में सारी की सारी असेट्स बेची जाती है और सारी की सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। किस सीक्वेंस में किया जाता है, थोड़ा आगे आकर के समझाऊंगा, हल्का सा ब्लर हो रहा है बच्चा, वेट करना मैं थोड़ी। हाँ बच्चा, तो देखिएगा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कितने तरीके से फर्म का डिसोल्यूशन होता है। पहले इसका एसएस ले लीजिए, इसे मैं यहाँ से रफ कर दूं, फिर इसके बाद मोड्स की बात कर रहा हूँ। ये थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बच्चों, इसमें से पक्की बात है एमसीक्यू बनेगा 1 मार्क का, ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, हटा रहा हूं मैं इसे। बच्चा मैं आपको एक चीज बताऊं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपके पास आएगा अभी एक टॉपिक। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब फर्म का बंद होना, पार्टनरशिप का खत्म होना। फर्म खत्म हो गई तो पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो गई। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो एंड होती थी और नया एग्रीमेंट लिख करके फर्म फिर से कंटिन्यू होती थी। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट और डेथ के केस में होता था। बट जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में फर्म डिसॉल्व होती है, ये थोड़ा सा याद रखना। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पार्टनरशिप के बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो एंड हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट लिख करके फॉर्म को कंटिन्यू चलाया जाता है, उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कभी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट के केस में जो है वो पार्टनर्स पार्टनरशिप जो होती है वो एंड हो जाती है और फर्म कंटिन्यू रहती है, इसे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पुनर्गठन हिंदी में बोलते साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ये आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इज डिसोल्यूशन के केस में, डिसोल्यूशन के केस में फर्म ही बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी एंड हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म। अब क्योंकि पार्टनरशिप खत्म तो कुछ बचा ही नहीं, फर्म आगे कंटिन्यू करेगी नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कितने तरीके से फर्म का डिसोल्यूशन होता है। तो बेटा देखिएगा, मैं सेक्शन वाइज लिखवाने की कोशिश करूंगा आपको, सेक्शन वाइज अगर हो तो मैं सेक्शन वाइज लिखवा दूं, चलिए नहीं लिखे सेक्शन वाइज। सबसे पहले है
बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बेटा म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? पार्टनर्स बेचारे आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चलो जी हम हमारे बिजनेस से बोर हो गए, अब हम हमारे बिजनेस को बंद करना चाह रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। हाँ बच्चा, म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जब सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्री। फोर डिसोल्यूशन, जब सारे के सारे पार्टनर आपस में एग्री हो जाते हैं तो फर्म को आप बंद कर सकते हैं। पहला तो सिंपल सा मोड है। दूसरा होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। बेटा कंपल्सरी का मतलब क्या है? आपको कंपल्सरी अपनी फॉर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ये कब कब हो सकता है? पहला पॉइंट है व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। ध्यान से सुनना बच्चा, जब सारे के सारे पार्टनर्स, जैसे मान लीजिए कि किसी फॉर्म में 20 पार्टनर्स हैं, तो बेटा 20 में से एक को छोड़ दो, बाकी के 19 इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट बोले तो दिवालिया हो गए बच्चा। उन्होंने उनकी लाइबिलिटी इतनी बढ़ गई कि वो अपनी असेट बेच करके भी उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे। उसे बोलते हैं सारे के सारे पार्टनर्स में से एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए। तब आपको आपकी पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरली डिसॉल्व करना पड़ेगा। आप कहोगे सर एक पार्टनर तो सॉल्वेंट है ना, वो पे कर देगा। बेटा जब एक पार्टनर की बात होगी बाकी सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो बेटा एक सिंगल पार्टनर जो है वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहलाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। इसीलिए लिखा है जब सारे के सारे पार्टनर्स एक को छोड़ करके इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, और सभी इंसॉल्वेंट हो गए तो वैसे ही वो तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है ही ना। एक तो ये वाला केस, दूसरा केस व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। अनलॉफुल बोलो या इनलीगल बोलो, अगर आप अपने बिजनेस का अब ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जो कि लॉ ने मना कर रखा है बेटा, तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। अगर आप ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई परमिशन नहीं ले रखा है, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए यूज नहीं ले रहे, आप उसको नशे की प्रवृत्ति में यूज ले रहे, तो बेटा आपका बिजनेस अनलॉफुल है और उसको आपको कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में बातें आती है, सर अगर सरकार को पता चले ही ना, तो बेटा जब तक नहीं चल रहा है तब तक चल रहा है, वो फिर पार्टनरशिप है आपकी, लेकिन बेटा वो लीगल पार्टनरशिप नहीं है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट इज बाय नोटिस। कैसे? नोटिस दे करके आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर सकते हैं। नोटिस के लिए लिखा है जब पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब आप अपनी इच्छा शक्ति से पार्टनरशिप चला रहे हैं, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो फर्म कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। कोई भी पार्टनर राइटिंग में नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है कि वो बिजनेस को बंद करना चाह रहा है। ऐसा सेक्शन 43 में लिखा है। अब बात आती है सर वो एक बंदा कह दे कि मैं बंद करना चाह रहा हूँ, बाकी के पांच बंदे माने ना, तो बेटा उसको फिर रिटायर कर देंगे ना। अगर मान लीजिए छह बंदे हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, उसमें से एक बंदा नोटिस दे रहा है बाकी सारे पार्टनर्स को कि भाई हमारी पार्टनरशिप तो एट विल है, एट विल बोले तो जब हमारी इच्छा होगी तब चला सकते हैं, तब बंद कर सकते हैं, तो बेटा उस केस में अगर मान लीजिए एक पार्टनर एक पार्टनर ये नोटिस दे देता है कि भाई हम हमारी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, तो सारे के सारे अग्री हो जाएंगे तो बंद हो जाएगी, बोलेंगे नहीं हम तो चलाएंगे, तो इसमें क्या होगा? वो पार्टनर जिसने वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बंद करने की, उसको रिटायर कर देंगे पार्टनरशिप फॉर्म से। तो बाय नोटिस में यही है कि जब पार्टनरशिप एट विल होती है तो उस केस में कोई भी एक पार्टनर नोटिस देता है। किसको नोटिस देगा? अरे जनरल पब्लिक को नोटिस देगा कि हम हमारी बिजनेस को बंद कर रहे हैं, अदर पार्टनर्स को भी देगा कि भाई मैं बंद करना चाहता हूं, तो बेटा उस केस में पार्टनरशिप जो है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। नोटिस वाला है, बहुत सिंपल है, सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 1932 में लिखा है। कंपनीज एक्ट तो नहीं रहा, डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट के साथ चलता है, तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन है ये 43। ठीक है, नोटिस के लिए मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं। मैं यहाँ पे चलो लिखवा देता हूँ, व्हेन वन पार्टनर
गिव नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर्स, जब एक पार्टनर बाकी के दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देता है ना, नोटिस कैसे, रिटर्न में नोटिस होना चाहिए बच्चा, ऑन, और तीसरा है ऑन, फोर्थ है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ये जो मैं इवेंट लिख रहा हूं, इनमें से कोई भी अगर घटना घटित हो जाती है तब भी पार्टनरशिप फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। कौन कौन सी चीजें बता रहा हूं बच्चा मैं, ए पॉइंट इज ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जितने टाइम के लिए आपने आपकी पार्टनरशिप चलाई थी, अगर आपकी स्पेसिफिक पार्टनरशिप है तो जैसे ही टर्म आपकी एक्सपायर हो जाएगी आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन विच द फर्म वॉज कंस्टिट्यूट, यानी जिस काम के लिए फर्म को बनाया गया, अगर वो काम पूरा हो जाता है, वो अवधि पूरी हो जाती है, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और कब, चलिए इसको अलग अलग लिख दिया, ऑन कंप्लीट ऑफ दी वेंचर, यानी मान लीजिए दो लोगों ने पार्टनरशिप की किशनगढ़ से अजमेर तक की रोड बनाने के लिए, और वो किशनगढ़ से अजमेर तक की रोड बन करके तैयार हो गए, तो वेंचर कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप एंड। या मान लीजिए किसी ने 5 साल के लिए पार्टनरशिप की, 5 साल खत्म हो गए, पार्टनरशिप एंड। ये ऊपर वाला इयर्स के अकॉर्डिंग है, नीचे वाला काम के अकॉर्डिंग है। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, बच्चा ये चीज जो है ना, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, ये केवल वहां अप्लाई होता है जब दो पार्टनर्स हो और उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाए, तो बेटा वहां पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बचा एक पार्टनर वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएगा। अच्छा, फिर है ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए ना, वो तो हमने ऊपर वाली बात में पढ़ी दिया था, इंसॉल्वेंसी वाली बात आई गई थी। तो कुल मिलाकर के ये मोड्स हैं, जब जब पार्टनर्स डिसॉल्व, मतलब जब जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी। ठीक है, एक बार इतना एसेस ले लें बच्चा, इसमें से क्वेश्चन आएगा पक्की बात है। और एक और लास्ट है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, एक बार मैं इसे हटा देता हूं अगर आप लोगों ने समझ लिया थे उसको। चलिए जी आगे चलता हूं। लिखा है कोर्ट की, कोर्ट डिसॉल्यूशन कर सकता है, कभी भी कोर्ट चाहे तो आपके बिजनेस को डिसॉल्व होने के लिए कह सकता है। कब कब किस किस सिचुएशन में, जरा देखिएगा, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट कहते हैं इसे। डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, इसमें क्या है, कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर पास कर सकता है डिसॉल्यूशन के लिए। कब कब, जब एक पार्टनर बिकम अनसोल्व, सॉरी अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, पागल, अगर पार्टनर पागल हो जाए, तो वहां पर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को कोर्ट ऑर्डर देकर के डिसॉल्व करवाएगा। अगर कोई पार्टनर परमानेंट परमानेंट इनकेपेबल हो जाए, परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, बेटा ये हम पढ़ रहे हैं कि अगर दो पार्टनर हो और दो में से एक पागल हो जाए, या दो में से एक परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, काम करने के लायक ना बचे, तो उस केस को बोलते हैं परमानेंटली इनकेपेबल हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। जब कभी कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है अपनी एज अ पार्टनर ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो भी फॉर्म उसको डिसॉल्व कर देगी। अगर कोई पार्टनर पार्टनर फाउंड गिल्टी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई पार्टनर अपने कस्टमर से या किसी दूसरे व्यक्ति से मिसकंडक्ट करता है ना, बुरा व्यवहार रखता है, जिससे फॉर्म के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो उस टाइम भी कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। अगर पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसमें लिखी हुई बातों को फॉलो ना की जाए,
वो ब्रीच हो जाए, ब्रीच ब्रीच बोले तो उसको तोड़ दिया जाए, पार्टनरशिप फॉर्म में लिखी हुई बातों को फॉलो ना करके उसे ब्रीच करते जाए पार्टनर, ठीक है, तब भी कोर्ट डिसॉल्व कर देगी पार्टनरशिप फॉर्म को। इफ कोर्ट को लगता है कि ये डिसॉल्यूशन जस्टिफाइड है, इफ कोर्ट फाइंड्स डिसॉल्यूशन जस्टिफाइड, अगर कोर्ट को लगता है कि डिसोल्यूशन करने से बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा तो फॉर्म को डिसॉल्व कर ले। आप कहेंगे सर कब भला होगा, ऐसे कब हो सकता है? बेटा कई जगह ऐसी होती है जब फॉर्म को डिसॉल्व करना जस्टिफाइड होता है, लगता है कि हाँ इस फॉर्म के बंद हो जाने से बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी, जैसे कुछ ड्रग्स की एजेंसी चला रहे हैं, कुछ शराब की दुकानें चला रहे हैं, इस टाइप का बिजनेस। अगर इफ फॉर्म कंटिन्यूअसली इनकरिंग लॉसेस, तो ये भी वही वाला केस है ऊपर वाला, अगर किसी फॉर्म को कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, अब वो लॉस के अलावा चल ही नहीं सकती बिजनेस, तो बेटा उस केस में भी जो कोर्ट है वो कंपलसरी डिसॉल्व कर देगा उसको। तो ये छह कुछ केसेस हैं जिनमें कोर्ट जो है वो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर बच्चा यहाँ तक? ये मेरा सर, थ्योरी वाला कंप्लीट होता है। हाँ बेटा बताओ। अनबाउंड ये ए पॉइंट में पार्टनर्स बिकम के बाद क्या लिखा है वो बताओ ना एक बार। माइंड, अनसाउंड माइंड बोले तो पागल, अनसाउंड ओके माइंड, UNSOUND, लिख वापस लिख देते हैं जी, आप अच्छे से वापस ऐसे से ले लीजिएगा, अनसाउंड माइंड। अब ठीक है, लिख रहे हैं, इसको पागल बोलते हैं, अनसाउंड माइंड मतलब पागल। देखो हमारी इंग्लिश कितनी जोरदार है, पागल बोलने के लिए भी दो वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। चलिए अब बच्चा हम आते हैं एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बच्चा, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है। अब देखिएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट स्टार्ट है यहां से। डिसॉल्यूशन के केस में अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाता है ये हम लोग सीख रहे हैं, ऐसा सेक्शन 48 है हमारा। सेक्शन 48 मतलब एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके सेक्शन 48 में डिसॉल्यूशन के टाइम पे कैसे अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा ये लिखा है, ठीक है। यहां लिखा है जो आप असेट्स बेच करके पैसा लाएंगे है ना, उसे आप किस तरीके से पे करेंगे। मैं लिखता हूं यहां पर, मैं लिखता हूं एप्लीकेशन ऑफ असेट, चलिए बच्चों सुनिएगा, एप्लीकेशन ऑफ असेट की हम बात कर रहे थे, असेट जो हम बेच करके पैसा लाएंगे है ना, वो कैसे अप्लाई करेंगे इसकी बात करें। ऑल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट इज अप्लाइड इन दी फॉलोइंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में लिखेंगे देखना। सबसे पहले ए इज फर्स्टली डेट ऑफ थर्ड पार्टी इज पेड, पहले थर्ड पार्टी से रिलेटेड डेट पे किए जाएंगे। सेकेंडली पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन इज पेड, देन पार्टनर्स
कैपिटल इज पेड, सबसे पहले थर्ड पार्टी, फिर सेकेंडली पार्टनर का लोन, देन पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। अगर इसके बाद भी बच जाए, सर ब्लर आ रहा है बहुत, ब्लर आ रहा है, आई नो, अब थोड़ा सा एडजस्ट करो। इसके बाद भी अगर बच जाए, इफ बैलेंस रिमेन, देन डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर एज प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये बस इतनी सी बात आपको और लिखनी है, ठीक है बच्चों। ये इसका एक बार एसएस ले लीजिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है ना बच्चा, वो हम कल के लिए रख रहे हैं, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, कल पूरा दिन लग जाएगा उस प्रैक्टिकल वाले हिस्से को समझने में। तो आज मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बेसिक्स नहीं बता रहा, आज हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया है। तो आज के इस लेसन में अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। कल मिलते हैं बच्चा सेम टाइम पे, थोड़ा क्लास के टाइम का ध्यान रखें, सेम टाइम पे आप कनेक्ट होने की कोशिश करें।